हे फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चाइना स्टडी ग्रुप। अगर इंडिया चाइना के बीच कुछ भी डिस्प्यूट या बात होती है तो ये ग्रुप बीच में या ये इस ग्रुप का काफी क्रिटिकल रोल होता है। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ चाइना स्टडी ग्रुप के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल आया था कि अपेक्स चाइना स्टडी ग्रुप रिव्यू ईस्ट लद्दाख बिकॉज दिस इज द मेन होल सोल अथॉरिटी to review or assess the Indian government up to about India-China relation India or India-China dispute। So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे what is the China study group and how does it work and then how it is impact on India-China relation। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टडी ग्रुप काफी फोकस में आया था। सो बात करते हैं व्हाट इज चाइना स्टडी ग्रुप। और यह हमारे यूपीएससी में जीएस पेपर 2 के सबसेक्शन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफी इंपॉर्टेंट है। सो चाइना स्टडी ग्रुप, चाइना स्टडी ग्रुप इज सेट अप इन द नवंबर 1975 इन देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पर यह चाइना स्टडी ग्रुप को सेटअप किया गया था। और इसके पहले हेड थे डिप्लोमेट के आर नारायण, जो आगे जाके हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यह इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी एंड हेडेड बाय एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड विच हैज ये चाइना स्टडी ग्रुप इंक्लूड सेक्रेटरी दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ होम देन एक्सटर्नल अफेयर then defense and representative of armies and after some time here China study group chief of intelligence bureau and RAW ke chief ko is China study group mein include kiya jata hai। So what is the function of China study group? The primary task of China study group was to monitor the India China border and assess its management and help in preparation for negotiation with China on border question। China study group का सिर्फ यही काम है कि India को assist करना to talk about China-India dispute, China-India management, China-India bilateral relation or negotiation with China on the border question। So China study group is center and sole advisor। So China study group central और सोल एडवाइजर हो जाता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन पॉलिसी रिलेटेड ऑन चाइना। सो इट इज करेंटली प्लेइंग की रोल एज टू कंट्री ट्राई एंड टॉक आउट ए कंप्रेहेंसिव डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। ओके, देन व्हाट इज किसकी हमें जरूरत कैसे पड़ती है आगे क्या? आफ्टर द 1962 वॉर एंड both in 1965 and 1971 China made some promises to Pakistan। 1960 war ke baad then 1961-1970 war jo India Pakistan ke beech hui thi, China ne kuch promise Pakistan ko kiye lekin usne choose to stay away, usne dur rehna hi behtar samjha। Lekin China jaisa neighbor hone ke bawajood India ko ye chance nahi lena chahiye। But China study group after this promises China study group set up in 1975 and it was keep under review the situation on Sino-Indian border or Indo-China border। So after the setup of the ये सिर्फ Indo-China border को ही review करता था and it was to assist in preparation for negotiation with China on the border question। Okay, then need to this group because हमारे चाइना के साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर होती है और इस बॉर्डर कुछ और इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए ऐसे ग्रुप की आवश्यकता थी जो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बारीकी से या क्लोजली मॉनिटर कर सके। एंड इन पास्ट मैनी इनकर्जन हैपन बाई या डन बाई
China in 1962 and war happened. So after this, India established this type of group to focus only on China. So after the 1962 war के बाद और many incursion के बाद India ने decide किया कि वो ऐसे group को establish करेगी जो सिर्फ focus करे China के तरफ China पर and their और उसकी activities पर on other things like trade पर focus करे उसके bilateral उसके साथ bilateral relation को focus करे and other aspect जो सिर्फ जो कि India और China के relation में involve हो या उसने ऑब्जर्व किया कि चाइना इंडिया और चाइना बॉर्डर के आसपास काफी सारी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है. सो इन 1997 चाइना स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट टू स्टडी एंड टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि हमें भी चाइना की तरह अगर चाइना को कम्पीट करना है तो हमारे इंडो चाइना बॉर्डर के पास मूवमेंट स्मूथ करनी पड़ेगी जो हमारे ट्रूप्स के लिए आने जाने के लिए या मिलिट्री कंपोनेंट को ले जाने के लिए काफी इजी हो. सो एंड ऑफ द स्टडी द सी चाइना स्टडी सीएसजी और चाइना स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाई 73 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड अलोंग द चाइना बॉर्डर्स फॉर इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स और इन रोड्स को इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स के अधीन बनाया गया या बिल्ड किया गया और यह रोड बॉर्डर वेट और यह रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज के द्वारा बिल्ड किए गए बॉर्डर ऑर्गेनाइज के द्वारा यह रोड बिल्ड किए और इस बॉर्डर जिसको बीआरओ भी बोलते हैं लेकिन इस बीआरओ के अलावा कुछ और एंटिटीज थे जो उन्होंने और काफी रोड बनाए लाइक एनएचए एमओडीएनईआर एंड सीपीडब्ल्यूडी एंड एमपीसीसी. तो इस चाइना स्टडी ग्रुप का आउटकम क्या था लेट्स सी. इन अगस्त 1976 इंडिया एंड चाइना रीस्टोर्ड एम्बेसडोरियल रिलेशन आफ्टर द स्टडी बाय चाइना स्टडी ग्रुप इंडिया और चाइना ने अपने एम्बेसडोरियल रिलेशन कंटिन्यू किए या स्टार्ट किए और इन 1988 इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट इज राजीव गांधी चाइना में अपनी विजिट ट्रेड करते हैं और वो इंडो चाइना बायलेटरल रिलेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं और ड्यूरिंग दिस विजिट इस विजिट के दौरान वो बोथ नेशन एग्री टू डेवलप एंड एक्सपेंड बायलेटरल रिलेशन. इस विजिट के दौरान दोनों देश बायलेटरल रिलेशन को एक्सपेंड करने के लिए एग्रीड हो जाते हैं. So China Study Group play a major role for discussion and dispute with the China on the border. So China Study Group का ये major role है कि China के साथ जितने भी dispute हो उनको as a काफी closely monitor करे. हाल फिलहाल में Galwan Valley incident और Doklam dispute के time पर China Study Group ने काफी चीजों को closely monitor करके Indian government को assist किया और it play a major and critical role towards India in इंडिया चाइना डिस्प्यूट. तो आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में. धन्यवाद.